लाइफ टाइम टैक्स पे, लाइफ टाइम टैक्स है भाई, लाइफ टाइम टैक्स पे है, फुल ओरिजिनल पेंट में, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, मात्र 6000 चली हुई है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 6000 चली हुई है। इसकी प्राइस भी होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2,90,000। कितना? 2,90,000। सुनिए, 2,90,000 में इतना खूबसूरत स्पोर्ट्स मॉडल है भाई, ये कोई मैग्ना नहीं है, एरा नहीं है, राइट? ये स्पोर्ट्स मॉडल है, वैल्यू फॉर मनी कार है। और कार देखिए, पहले चारों पांचों टायर ब्रांड न्यू है। हाँ, टायर देख रहा था मिरर में, देखिएगा तो ये है इंडिकेटर लाइट है, बूफर लगी हुई है, सामने व्हाइट लाइट है, फॉग लाइट है व्हाइट है, पावर स्टेरिंग है, पावर विंडो है, सब कुछ है। ये VXI ऑप्शनल है, इसलिए एलोवी ऑप्शनल भी है, राइट? वाह, वेरी गुड। गाड़ी तो एकदम बिल्कुल टिप टॉप रखे है भाई। ये ऐसी ही गाड़ी, फुल ओरिजिनल पेंट में ही गाड़ी, फुल ओरिजिनल पेंट है दोस्त। देखिए दोस्तों, दो तीन शॉट मैंने पहले आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको ये पता चले कि आज मैं कहां से शूट कर रहा हूं और ये क्या क्या कार मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आज जो कार मैं आपको दिखाऊंगा, पहली बात तो ये है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ना तो आज मैं 25 कार दिखाऊंगा, ना 20 कार दिखाऊंगा, ना 15 कार दिखाऊंगा। आज मैं चुन चुन के आपके लिए कुछ घर की कलेक्शन लाया हूं, यानी कि फैमिली यूज्ड कार, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। वो कार है जिसका रिसेल वैल्यू अच्छा है, ये वो कार है जो हर कोई मैकेनिक इसको ठीक कर सकता है, ये वो कार है जिसका माइलेज भरपूर है, ये वो कार है जिसका क्वालिटी एंड फीचर्स का मामले में एकदम 100% ओके है। और जैसे कि आपको पता है, मैं जहां पर भी आता हूं वहां का जो अथॉरिटी है उनका साथ में आपका बात कराता हूं, और आज भी बात कराऊंगा और उनसे पूछूंगा कितना किलोमीटर रन किया है, टैक्स कहां तक है, कलर ओरिजिनल है कि नहीं, कार का इनसाइड में क्या है, आउटसाइड में क्या है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे दोस्त ऐसा भी है जो फाइनेंस में कार ढूंढते हैं, आपके लिए फाइनेंस फैसिलिटी है कि नहीं। दोस्तों, हमें मालूम है आप में से काफ़ी सारे दोस्त ऐसा भी है जो बंगाल की बाहर से हमें देख रहे हो, आपके लिए NOC फैसिलिटी है कि नहीं, वो भी आज इसी वीडियो का माध्यम से आपको पता चलेगा। तो चलिए, बिल्कुल भी देर न करते हुए आज हम जहाँ आए हैं, यहाँ का जो अथॉरिटी है उनका साथ आपका डायरेक्टली बात करा देते हैं। अलम जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, आप सबका दुआओं से। सर, वैसे आज ऑल ओवर इंडिया से आपको दोस्त लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लोग ऐसा है जो लोग जानते नहीं है, यहाँ का लोकेशन अच्छा से समझा दीजिए। ये कोलकाता साइंस सिटी है। हाँ। नेक्स्ट स्टॉप तोपसिया मोड़ बाईपास है। अच्छा, वहाँ पर एक फोर्टको शोरूम था जो पहले था, बंद हो चुका है। अच्छा, उसी के जस्ट आगे। अच्छा, या फिर नंबर चल रहा है अभी, कॉल कीजिए, लोकेशन भेज दीजिएगा ना, लोकेशन आपको भेज दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। सर, नॉर्मली क्या क्या स्टॉक रखते हैं? नॉर्मली देखिए, मेरा मोस्ट जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पर हैचबैक है, SUV भी है, सेडान में भी है। अच्छा, सब कलेक्शन रखते हैं। मल्टी ब्रांड्स लेके आप काम करते हैं, डीजल पेट्रोल सब कुछ लेके? एग्जैक्टली। ठीक है। और सर, बहुत लोग तो ऐसे है जो लोग ये कहते हैं कि भाई पूरी पैसा नहीं लगाऊंगा, फाइनेंस में कार लेना चाहता हूँ। फाइनेंस के लिए देखिए, मेरा मिशन है घर घर गाड़ी, घर घर गाड़ी। तो इसलिए इस बार एक ऐसा चीज लाए हैं जो लाख रुपए की गाड़ी रहेगा ना, उसमें ही फाइनेंस कर देंगे। पर आप कैसे कर देंगे उन्हें? अच्छा, हाँ ठीक है। वो आपकी सिविल स्कोर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन में आपका लाख रुपए में भी हम आपका फाइनेंस कर देंगे। क्या बात है बॉस, लाख रुपया में फाइनेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कर देंगे। ये कोई भी गाड़ी लीजिए, कोई भी गाड़ी लीजिए, 2010 का लीजिए, 9 का लीजिए, 8 का लीजिए, कोई भी गाड़ी लीजिए, हम फाइनेंस कर देंगे। कॉन्फिडेंस देखिए, एकदम कॉन्फिडेंस। और सर, बंगाल का बाहर से जो दोस्त लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए NOC के बारे में बताएं। उन लोगों को पैन इंडिया NOC दे देंगे हम। कितना दिन में देते हैं? ओपन NOC, चेंज ऑफ एड्रेस दे देंगे। आपका कोई डीलर है? अच्छा, चेंज ऑफ एड्रेस चाहिए, उनको चेंज ऑफ एड्रेस भी दे देंगे। हाँ। अगर उनके नाम में NOC चाहिए, वो है, उनके नाम में भी दे देंगे। चेंज ऑफ एड्रेस इसलिए देते हैं क्योंकि ओनरशिप बढ़ ना जाए। जी जी, बिल्कुल। जो डीलर है उनको फिर बेचने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए उनको ओनरशिप बढ़ ना जाए, इसलिए चेंज ऑफ एड्रेस देते हैं। ठीक है। अगर कोई अपना पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो उनके नाम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है? बिल्कुल, बस चुस्त रहिए और दुरुस्त रहिए, और पूजा बहुत करीब है। हाँ, कुछ ही दिनों में पूजा है, शुरू हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल।
कहना मतलब खरीदारी तो अभी से शुरू हो गया। बस बस तो बस दोस्त तो यही रिक्वेस्ट है, आप गाड़ी लेने का सपना पूरा कर लीजिए एकदम, तो शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। नमस्कार, मैं हूं दयाल कृष्णो, आप देख रहे हैं इंडिया ट्यूब, राइट टाइम राइट चॉइस राइट इंफॉर्मेशन के साथ। आज हम आगे है तोपसिया का वन एंड ओनली आलम मोटर्स में, और आलम मोटर्स का आज का इस खूबसूरत फैमिली कलेक्शन वीडियो में आप सबकी स्वागत है। दमदार कार है भाई, ये देखिए रेनो की डस्टर आज भी डिमांड है, जिसका पास है वो छोड़ते नहीं है, जिसका पास नहीं है वो ढूंढते रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बताइए 2016 की डस्टर आर एक्सएल। अच्छा, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, डीजल वेरिएंट में है। इसमें चारों पावर विंडो आ जाएगा, एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है, बैक सेंसर है, बैक कैमरा, सेंट्रल लॉक, सब कुछ आ जाएगा। क्या बात है भाई, देखिए फुल ओरिजिनल पेंट में है। गाड़ी में एक रुपया काम नहीं मैंने नहीं किया, सिर्फ लाया सिर्फ खड़ा कर दिया, बस गाड़ी में एक रुपया काम नहीं। अरे टिप टॉप गाड़ी है एकदम, ये सब गाड़ी बहुत हार्डी गाड़ी है, पॉलिश भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन देख के लग रहा है कि एकदम धुलाई ऊंचाई करके रखे है एकदम। हाँ धुलाई करवा, धुलाई करवा एकदम। 2016 की 26 तक की टैक्स है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। अच्छा डीजल वेरिएंट, इसकी प्राइस होने वाले सिर्फ और सिर्फ 3,49,000। 16 की 26 कितना रन किया अप्रोक्स? रन बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, उनको याद नहीं है, वो भी सच बता दिया, ऐसे नहीं कि एफसेट कुछ भी बता दिया। देखिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कार है, बस राइट 16 की गाड़ी है, 26 तक टैक्स है, डीजल वर्जन है, और प्राइस तो सुन लिया, अफोर्डेबल प्राइस है, और क्या कहे। इससे पहले कि इसका चाबी किसी दूसरे का हाथ में चला जाए, आप इंतजार मत कीजिए, आके लेके जाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखा रहे हैं, आइए हुंडई 10। जी हुंडई 10 2014 की 29 तक की टैक्स। अच्छा अभी टैक्स फेल है, टैक्स रिन्यू करके देंगे। अच्छा 29 तक की टैक्स, सेकंड ओनर की गाड़ी है। अच्छा स्पोर्ट्स ऑप्शनल, पुश बटन स्टार्ट है। ओके ओके, सिर्फ अलॉय व्हील्स नहीं है, अलॉय व्हील छोड़ के बाकी सब कुछ फीचर, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। और स्पोर्ट्स हुंडई की वैल्यू फॉर मनी कार है, ये आपको भी पता है दोस्तों, गूगल करके चेक भी कर सकते हैं, हम लोग सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, इसमें पुश बटन स्टार्ट है, दो एयर बैग आ जाएगा, एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है, चारों पावर विंडो है, सेंट्रल लॉक है, बैक कैमरा, बैक सेंसर। बॉडी में आ जाएंगे सिर्फ दो पार्ट पेंट हुई है इसकी, आगे का बम्पर पीछे का बम्पर, बाकी ओरिजिनल ओरिजिनल। अच्छा और रन कितना किया सर? रन इसकी हुई है 51 या 52,000 समथिंग, 51-52,000 रन की हुई है। और कब की कार है बोला सर? 14 की। अच्छा 29 तक टैक्स है, क्या बात है, बताइए प्राइस क्या है? इसकी प्राइस भी होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2,90,000। कितना? 2,90,000। सुनिए 2,90,000 में इतना खूबसूरत स्पोर्ट्स मॉडल है भाई, ये कोई मैग्ना नहीं है, एरा नहीं है, राइट, ये स्पोर्ट्स मॉडल है, वैल्यू फॉर मनी कार है। और कार देखिए पहले, उसका बाद आप टेबल पर बैठिए, बात कीजिए। इंडिया ट्यूब जहां पर भी जाते हैं क्वालिटी छोड़ के हम लोग शूट नहीं करते हैं, और आप मेरा पीछे का वीडियो भी देखिए, क्वालिटी कार थी और इधर भी है, अभी दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर नंबर है, बात कीजिए, अभी बात कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए, पूजा का पहले लेके एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट कार दोस्तों, आइए देखिए कितना खूबसूरत, छोटी सी प्यारी सी एकदम लाल टुक टुक जिसको कहते हैं घर की कार, जेन स्टीलो। ये जेन स्टीलो है। हाँ जैसे यहाँ पर जितनी भी कार मेरा ऑलमोस्ट देख रहे हैं सब बजट में है, बजट में है, जो मतलब सब अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल, तो सब 1.5 लाख-1 लाख के बजट में ही। ठीक है, ये 2010 की है। हाँ, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, जेन स्टीलो LXi, फुल ओरिजिनल पेंट में है। जी जी, गाड़ी में कुछ काम नहीं है, नहीं गाड़ी सिर्फ आप पेट्रोल भराइए और लेके जाइए। हाँ, इस गाड़ी में भी लोन कर देंगे, और इसकी प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1,45,000। सर सुने इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, लेस मेंटेनेंस और माइलेज भी तो सही, माइलेज एकदम किंग है आपको। दोस्तों देखिए, आप अगर घर के लिए ढूंढ रहे हो, या फिर ऑफिस जाने आने के लिए, या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मान लीजिए, या फिर बुजुर्ग लोग ड्राइव करेंगे, लेडी लोग ड्राइव करेंगे, तो आपके लिए खास चीज यही है, और एकदम पॉकेट फ्रेंडली बजट है, इसलिए आपको सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आइए, देखिए स्क्रीन पर नंबर है, आलम साहब की खुद अभी बात कर सकते हैं। डाउन पेमेंट में लोन करेंगे। जी जी, लोन भी पॉसिबल है, बॉस जीरो डाउन पेमेंट में आप आइए, कार लेके एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट कार दिखा रहे हैं, देखिए छोटी सी एकदम माइलेज किंग सब कार आज रखे है सर। सर बताइए, ये बीट है। हाँ 2010 की है। ठीक है, लाइफ टाइम टैक्स पे, लाइफ टाइम टैक्स है भाई, लाइफ टाइम टैक्स पे, फुल ओरिजिनल पेंट में, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है।
मात्र 6000 चली हुई है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 6000 चली हुई है। एक्चुअली इसका टायर भी सूख गया, जो है ना ऑनेस्ट बताते हैं। हाँ। इसका टायर सूख गया था। अच्छा। बड़ा बड़ा गाड़ी टायर सूख गया था। हाँ। जो मैंने चारों टायर चेंज कर दिए। अच्छा, इसीलिए इतना न्यू लग रहा है टायर। इसलिए चारों टायर मैंने ऐसा निकाल के फेंक दिया, किसी को भी कस्टमर को देंगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक बात। इसलिए चारों टायर चेंज किया है। अच्छा। फर्स्ट ओनर की गाड़ी 6500 चली हुई विद लाइफ टाइम टैक्स पैड विद एलटी 2010 की। बस देखिए, 2010 की कार है, लाइफ टाइम टैक्स है, 6500 चली हुई कार है। ताकि ये कार बैठा था, इसको चलाया नहीं किसी ने, भाई ने टायर भी चेंज कर दिया, सब कुछ ओके, इंजन विंजिन सब ओके है ना? सब ओके। अच्छा। सब ओके। गाड़ी में 1 रुपये खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसकी प्राइस होने वाले सिर्फ और सिर्फ 1,45,000। बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, बजट पर आज वैल्यू फॉर मनी कार दे रहे, इसीलिए इनको अच्छा लगता है। लोन कर देंगे इसमें, जीरो डाउन पेमेंट में लोन करें। जीरो डाउन पेमेंट में कार लेके जाइए, बस इसमें भी लोन पॉसिबल है। और आपकी सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए। सिविल स्कोर तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। बस चलिए नेक्स्ट कार दिखा। i20 है बॉस, वो भी देखिए कलर सचमुच अब चुन चुन के रखे है, बहुत अच्छा। ये भी 2010 की है, तीनों 2010 की 10 की गाड़ी है। ये 25 तक की टैक्स है, ये भी फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। ठीक है। i20 मैग्ना। अच्छा, मैग्ना है। चारों पावर विंडो आ जाएगा, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, और ओरिजिनल सीट कवर है, म्यूजिक सिस्टम है, सब कुछ है। और फुल ओरिजिनल पेंट नहीं बोलेंगे, इसकी बंपर आगे की रिपेंट है, पीछे की बंपर रिपेंट है। 10 की गाड़ी है, कोलकाता में चलेगी तो रिपेंट। बोनट वगैरह छात्र सब कुछ ओरिजिनल है, 80% ओरिजिनल पेंट है। एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत टच अप है बंपर में, आपको भी पता है इधर टाउन में सिटी में गाड़ी चलती है तो भाई टच अप हो जाता है। पेट्रोल वेरिएंट है जी, इसकी फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। कितना अप्रोक्स रन किया है ये? अप्रोक्स रनिंग है 51,000। 51। वाह, देखिए ओपन कैमरा का सामने बता रहा है, जो कुछ भी बता रहा है, ये सबसे अच्छा लग रहा है। और सर इसका प्राइस क्या है? इसकी भी प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1,65,000। बाइक मतलब एक अच्छा खासा बाइक लेने जाइएगा तो 2 लाख के ऊपर है। अब 165 में आप होंडा i20 का ओनर बनिए, और क्या कहे आपको, और इसमें भी फाइनेंस करवा दे, इसमें भी जीरो डाउन पेमेंट में फाइनेंस कर। बस देखिए जोश देखिए, इसीलिए अच्छा लगता है बस। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, आपके व्यूअर के लिए कुछ भी। चलिए, सेंट्रो है भाई, सेंट्रो है, अच्छा खासा सेंट्रो ढूंढने से नहीं मिलता है। कितना खूबसूरत सेंट्रो, आप देखिए दोस्त, आप खुद कमेंट करके बताइए। सर डिटेल बता दीजिए, हमको सुनने का मन कर रहा है। इसकी डिटेल में हम बोलेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा फिटिंग सिर्फ 45,000 की है। गाड़ी की जो वैल्यू होगी उससे आधा में एक्स्ट्रा फिटिंग, उसका भी पैसा जोड़ लेंगे क्या प्राइस में? नहीं जोड़ेंगे सर, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये 2007 की है। अच्छा। 27 तक की टैक्स है, 27 तक की CF है। अच्छा। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। ठीक है। ओरिजिनल पेंट में है। अच्छा। इसके अंदर में पैनल में बैक कैमरा आ जाएगा, चारों पांचों टायर ब्रांड न्यू है। हाँ, टायर देख रहा था। मिरर में देखिएगा तो ये है इंडिकेटर लाइट है, बूफर लगी हुई है। हाँ। सामने व्हाइट लाइट है, फॉग लाइट है, व्हाइट है, पावर स्टेरिंग है, पावर विंडो है, सब कुछ है। यानी कि जिसका पास था बहुत शौकीन आदमी था। बिल्कुल, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, देखिए कितना वेल मेंटेन करके रखे है ये गाड़ी। घर की कार है सही है, लेकिन कितना कुछ लगा के रखे है। बिल्कुल। सर क्या प्राइस रखे है? इसकी प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 99,000। कितना? 99 ओनली। 99,000 में 45,000 की तो एक्सेसरीज है बॉस। एक्सेसरी एक्स्ट्रा वो छोड़ दीजिए, अब 27 तक एंजॉय कीजिए, सिर्फ 99,000 पे कीजिए, वो भी फाइनेंस मुमकिन है। इसमें भी फाइनेंस कर देंगे, बस फाइनेंस हो जाएगा। जीरो डाउन पेमेंट में फाइनेंस करेंगे, सिर्फ सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए। सिविल स्कोर अच्छा खासा, सिविल स्कोर लेके आइए, जीरो डाउन पेमेंट में कार लेके एंजॉय कीजिए, और क्या कहे। चलिए नेक्स्ट कार दिखा। दादा कभी भी फोर्ड कार जब दिखाते हैं ना तो पहले ही याद आ जाता है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है। एग्जैक्टली। इसका बिल्ड क्वालिटी और रोड ग्रिप का मामले में इसका सामने कुछ भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, ना होंडा की बोलेंगे ना किसी के नहीं। ये ब्रांड ही काफी है बस। ब्रांड काफी है जी। बताइए डिटेल। ये 2012 की है। ठीक है। लाइफ टाइम टैक्स पेड है। वाह, 2012 की लाइफ टाइम टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, डीजल वेरिएंट में, फोर्ड फिगो। यस, भरपूर माइलेज, सुपर चिल्ड एसी है बस। अगर आपका पास फोर्ड है, कोई भी कार फोर्ड की हो तो आप कमेंट करके बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सुपर चिल्ड एसी है और इसका माइलेज भी अच्छा खासा, माइलेज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये गाड़ी में भी 1 रुपया खर्चा नहीं है, सिर्फ आगे की बंपर रिपेंट हुई है, पीछे की बंपर रिपेंट हुई है, बाकी ओरिजिनल पेंट में है। 12 की लाइफ टाइम टैक्स, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, फोर्ड फिगो डीजल वेरिएंट। इसकी भी प्राइस होने वाली है मात्र 145।
1,45,000 में एंजॉय कीजिए बॉस, और क्या कहे, सामने पूजा आ रहा है, उससे पहले आप आके लेके जाइए, एंजॉय कीजिए बस। चलिए नेक्स्ट कार दिखा रहे हैं, आइए। ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल न्यू कार है। मैंने पहले आपको बताया था, हम दोस्त लोगों के साथ बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आज कुछ कार दिखाऊंगा आपको, घर की कार है जिसका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, जिसका माइलेज भरपूर है और जिसका स्पेयर पार्ट्स का अवेलेबिलिटी भी है। अब ये देखिए न्यू जैसी कार हम लोग दिखा रहे हैं आपको, रेनो क्विड है, मोस्ट डिमांडिंग कार, मोस्ट डिमांडिंग कार है और भरपूर माइलेज भी है, माइलेज बहुत अच्छा, जो सच है वो तो सच है। अब बताइए सर डिटेल बताइए। 2021 की रेनॉल्ट RST, अच्छा फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, ठीक है, मात्र 11,000 चली हुई है। कितना? 11,000। ये सुनिए, 11,000 चली हुई कार है भाई, और क्या कहे आपको, बिल्कुल घर की कार है। एक बार आइए प्लीज, आइए। आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कुछ कीजिए, एक बार आइए। सर आगे बताइए। 11,000 चली हुई है, फुल ओरिजिनल पेंट में है, फुल ओरिजिनल पेंट है जी, एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है जी, चारों पावर विंडो है, दो एयर बैग है, सेंट्रल लॉक है, बैक कैमरा, बैक सेंसर। और क्या चाहिए आपको फीचर्स में, क्या बात है, कलर तो ओरिजिनल है सर, यस पूरा। इसकी प्राइस होने वाली है 3,99,000। वाह, अगर आप लोन लेना चाहते हैं जीरो डाउन पेमेंट में लोन हो, जीरो डाउन पेमेंट में अभी आप ले सकते हो, थोड़ा सिविल अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। और देखिए प्राइस जो है बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कार है, जस्टिफाइड प्राइस है। चलिए नेक्स्ट कार दिखा रहे हैं, आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले बताया कि आपको 20-25 कार नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जितना कार दिखाऊंगा ना डिमांडिंग कार दिखाऊंगा। साहब इतना खूबसूरत अर्टिगा है आपका पास, एकदम इसका छुपा हुआ राज बताइए पहले। आज खोल दीजिए एकदम। 2016 की है, अच्छा मतलब 16 की है, हमें दो दिन बैक है, अच्छा 16 की है, मतलब 28 दिसंबर, 28 दिसंबर की कार है, यानी कि एकदम 26 का दिसंबर तक आप एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए एकदम भाई। 16 की गाड़ी है, वो फुल ओरिजिनल पेंट है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, VXI वेरिएंट है, अच्छा ब्रांड न्यू सीट कवर है, म्यूजिक सिस्टम है, बैक सेंसर है आपका, फिर ये एयर बैग आ जा रहा है, अलॉय व्हील्स आ जा रहा है जी, बिल्कुल ये VXI ऑप्शनल है, इसलिए अलॉय व्हील्स ऑप्शनल भी है, राइट। वाह वेरी गुड, गाड़ी तो एकदम बिल्कुल टिप टॉप रखे है भाई, ये ऐसे ही थी गाड़ी, फुल ओरिजिनल पेंट में ऐसे ही गाड़ी, फुल ओरिजिनल पेंट है दोस्त। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में कार तो ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप एक बार आइए, कार लेना नहीं है आपको, मैं मना कर रहा हूँ, मत लीजिए, आइए एक बार आके देख लीजिए, आके देखिए, टेस्ट राइड कीजिए, बैठ के दो बातें कीजिए, मन को तसल्ली आएगी, उसका बाद आप फाइनल कीजिए। और सर बाकी इसकी प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 4,99,000। देखिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कार है, इसलिए दो दिन छोड़ के आप 17 की कार बता सकते हैं, ठीक है, आप एंजॉय कीजिए 2026 का दिसंबर तक, राइट। वैल्यू फॉर मनी कार है, लोन पॉसिबल है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, नंबर है, बात तो कीजिए हम लोगों से, आइए उसका बात फाइनल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कार देखिए। अगर आप i10 ढूंढ रहे हो तो जरा रुक जाइए, पहले डिटेल ले लीजिए, ताकि इतना खूबसूरत कार मिस मत कीजिए। सर बताइए 2012 की है i10, हाँ मैग्ना ओरिजिनल पेंट में है, सेकंड ओनर की गाड़ी है जी, चारों पावर विंडो आ जाएगा, हाँ ब्रांड न्यू सीट कवर है, एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है, बैक कैमरा, बैक सेंसर, क्या बात है, पांचों टायर ब्रांड न्यू टायर है, नहीं वो तो देख रहे हैं बिल्कुल, पांचों टायर ब्रांड न्यू टायर है जी बिल्कुल। इसकी भी प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1,85,000। और कितना रन किया है अप्रोक्स? ये रनिंग हुई है 57,000 या 58,000, अंडर 60,000 रन की हुई कार है भाई, यानी कि इंजिन एकदम स्मूथ इंजिन, सिर्फ पेट्रोल डालिए एंजॉय कीजिए, लेके जाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखा दें, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट डिमांडिंग और मारुति की हाईएस्ट सेलिंग कारों में से ये भी है बॉस, ब्रेजा। सर बताइए, ब्रेजा 2018 की 28 तक की टैक्स है, ठीक है, VDI डीजल वेरिएंट, अच्छा डीजल है ये, VDI है डीजल है भाई, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, वेरी गुड, चारों पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम है, ओरिजिनल ब्रांड न्यू सीट कवर है, अलॉय व्हील्स है जी जी, बैक सेंसर, सेंटर लॉक आ जा रहा है। और कितना रन किया अप्रॉक्स? ये रनिंग है 92,000 ओरिजिनल। देखिए पूछा, ओपन कैमरा का सामने बता दिया, एक भी हिचकिचाया नहीं, जो भाई बताओ कि ना बताओ, 92,000 चली है, गाड़ी तो चलने के लिए लिया है भाई, डीजल गाड़ी तो जिसका पास था वो तो चलाने के लिए ही लिया है, आप भी लोगे चलाने के, डॉक्टर ड्रिवन कार है, डॉक्टर ड्रिवन कार है, रेडी टू यूज है, गाड़ी जो भी चलाए हैं वेल मेंटेन करके चलाए, नहीं नहीं बिल्कुल।
इसकी प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 5,30,000। क्या बात है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है बॉस, 5,30,000 में VDI लेके जाइए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। आप सब ने देखा क्या क्या कार सैन ने दिखाया, कैसा कैसा कंडीशन है, कितना किलोमीटर रन किया है, टैक्स कहाँ तक है, कार की इनसाइड में क्या है, आउटसाइड में क्या है, फाइनेंस पॉसिबल है कि नहीं, NOC पॉसिबल है कि नहीं, वो भी कितना दिन में, सारी चीज पाई टू पाई एकदम इसी वीडियो के माध्यम से सैन ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अच्छा तो जरूर लग रहा है। फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये आलम मोटर की नंबर है, आप अभी कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आप अपना टाइम के हिसाब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज प्लीज। सबसे पहले ये बात है, सर बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज इनको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए जी, जो भी अगर न्यू स्टॉक आ रहा है उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।